फतेहपुर जनपद से कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के दरवेशाबाद गांव के समीप अनियंत्रित ई रिक्शा पलटने से ई रिक्शा में सवार चार लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में भर्ती कराया। आपको बता दें कि ई रिक्शा पलटने से उसमें सवार महिला सविता उम्र 25 वर्ष, पत्नी छत्रपाल निवासी अलियाबाद थाना मलवा, रुचिका श्रीवास्तव उम्र 21 वर्ष, पुत्री अरविंद श्रीवास्तव निवासी उमर गहना थाना मलवा तथा रामपति उम्र 50 वर्ष, पत्नी राजकुमार निवासी अलियाबाद घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस मामले में ई रिक्शा चालक रामकरण निवासी भदवा थाना मलवा ने बताया कि ई रिक्शा पलटने से सभी लोग घायल हो गए। उन्हें स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामकरण है। कौन सा गांव है? मेरा गांव भदवा है। यहाँ ई रिक्शा कहाँ पलटा है? ई रिक्शा दरवेशाबाद पावर हाउस के आगे। दिन की आ रहा था कि जा रहा था? आ रहा था। कैसे, क्या, कौन कौन घायल है, क्या हुआ? एक दो सवारी पनाई से हमने बैठाया, कुंवरपुर से आ रहे थे। आप ही चलाए थे क्या? जी। अच्छा अच्छा। दो सवारी हमने पनाई से बैठाया, इसके बाद आके अलियाबाद में दो सवारी बैठाया है, तो रारी मोड़ के आगे जब आया है रिक्शा हमारा, तो पावर हाउस पीपल के पहले अचानक हमारा जो है डिसबैलेंस बिगड़ गया है, तो रिक्शा रोड के साइड में गया है और सधा नहीं तो खेत में जाके पलट गया।